नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा घोष, आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है हाउ कैन आई हेल्प यू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस लॉकडाउन के टाइम पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जॉब का अपडेट लेकर आया हूँ। और आज का जो जॉब अपडेट है ये आ रहा है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक कंपनी है, मगर है तो ये एक प्राइवेट कंपनी, मगर गवर्नमेंट इसको रन करवाता है। ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है। तो कौन सा ब्रांच वाला या फिर इसमें जो भी वैकेंसीज है, टोटल 7 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रखा गया है। सैलरी स्ट्रक्चर 34,000 के लगभग पास पे रखा गया है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है, आप मतलब 10th 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ करके रखे तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन डेट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। एक रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। फ्यूचर के दिनों में भी आपको जॉब्स एंड एडुकेशन रिलेटेड बहुत सारा अपडेट इस चैनल से आपको मिलेगा। फर्स्ट दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन प्रोसीड्योर है कल का डेट से शुरू हो रहा है। आपका 18th of May सुबह 10 बजे से आपका शुरू होगा ये। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विथ फीस। तो आपको ऑनलाइन सबमिशन मतलब ऑनलाइन पे अप्लाई करने के साथ साथ फीस पेमेंट का लास्ट डेट यहाँ पे देखिए दिया गया है 22/6/2020 सुबह 10 बजे तक। जो ऑनलाइन पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन पे ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, मगर एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर मैंसन नहीं किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट अगर आप एक है तो ग्रेजुएट यहाँ पे देखिए जो पोस्ट दिया गया 01 ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी केमिकल के ऊपर। तो आपने अगर BSc फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर करके रखे, आपके साथ ये मतलब 3 साल का जो रेगुलर डिग्री होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर 60% मार्क्स अगर आपका है, और अगर आप मतलब 60% है आपका जनरल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 55% मार्क्स आपका रहना पड़ेगा। मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है 30 ईयर्स, और SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है अनरिजर्व जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है। 34,000 तक लगभग आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा फर्स्ट पोस्ट के लिए। सेकंड पोस्ट यहाँ पे देखिए माइनिंग मेट C, इसमें आपका वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, टोटल 52 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 26 है, OBC NCL कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, SC के लिए भी 6 है, ST कैटेगरी के लिए 14 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए रखा गया है 35 ईयर्स, OBC C NCL के रखा गया है 38 ईयर्स, SC ST के लिए 40 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। हाँ, मगर ये पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इंटरमीडिएट मतलब 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका माइनिंग मेट DGMS का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे कुछ और एक चीज़, यहाँ पे हिंदी जानना आपके लिए कंपलसरी है। हिंदी रीड एंड राइट करना, लिखना और पढ़ना दोनों आपको आना चाहिए, क्योंकि जो लोकेशन है मे बी ये झारखंड में होने वाला है आपका। क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे लिखा गया है झारखंड में, तो लोकेशन आपका झारखंड पे रहेगा जो जॉब का लोकेशन है। यहाँ पे 3 नंबर पोस्ट पे आपका दिया गया है बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट। तो यहाँ पे ग्रुप A के लिए जो है आपका टोटल 3 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। यहाँ पे आपको 10th पास होने से ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है बॉयलर के ऊपर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए विंडिंग इंजिन ड्राइवर B, तो कैटेगरी B 4था पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें भी आपको 10th पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जनरल एंड माइन सेफ्टी के ऊपर अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेहतर रहेगा, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों के लिए ये जो PDF फाइल है, इस PDF फाइल को डाउनलोड करने का लिंक दे देंगे। आप लोग चाहे तो वहाँ से एक बार डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ब्लास्टर B पोस्ट के लिए आपको टोटल 4 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 2 है, SC के लिए 1, ST के लिए 1। 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए, 37 ईयर्स है आपका SC ST के लिए। इसमें भी आपको अगर आपने 10th पास करके रखे और अगर आपके पास DGMS कैंडिडेट है, DGMS का सर्टिफिकेट है और मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस माइनिंग मेट जो पोस्ट है, यहाँ पे टोटल 53 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। जनरल वालों के लिए 26 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 25 साल रखा गया है जनरल वालों के लिए, और SC ST के लिए 30 ईयर्स रखा गया है। इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 60% मार्क्स लेके अगर आपने इंटरमीडिएट पास किए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दिया गया सिर्फ 6 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 3 है, मतलब जनरल वालों के लिए 3 है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। OBC C NCL कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, SC एंड ST के लिए 30 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। मैट्रिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अनडिजर्व ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट मस्ट 55% SC ST कैंडिडेट। तो 7th नंबर का जो लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है इसके लिए आप लोग हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी एज मतलब यहाँ पे एज लिमिट से रखा गया है मगर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे 6 नंबर और 7 नंबर पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये बहुत ही बढ़िया है। सैलरी किस हिसाब से रहेगा देखिए, ग्रुप ए पोस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएट GOT अगर आपका पोस्ट मिलता है GOT के लिए आपको यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखिए 33,994 रुपीज़ पर मंथ का आपका सैलरी रहेगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। माइनिंग मेट C 33,087 रुपीज़, बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट एक पोस्ट के लिए 32,180, विंडिंग इंजिन ड्राइवर B पोस्ट के लिए और ब्लास्टर B पोस्ट के लिए 32,633 का सैलरी यहाँ पे रखा गया है। बेसिक पे आपको यहाँ पे अलाउंस टैलेंस सभी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स दिया गया है और एग्ज़ाम किस हिसाब से होगा देखिए, एग्ज़ाम सिटीज़ यहाँ पे टोटल 16 सिटीज़ पे आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे किस हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे देखिए बताया गया टेस्ट जो रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। जनरल इंग्लिश के ऊपर 10 मार्क्स रहेगा, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के ऊपर 10 नंबर रहेगा, रीजनिंग के ऊपर आपका 10 नंबर रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर 10 नंबर रहेगा। तो ये है आपका टोटल डिटेल्स। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे बताया गया है 500 रुपीज़ आपको फ़ीस देना पड़ेगा। नॉन डिफेंडेबल 500 रुपीज़ आपको फ़ीस देना पड़ेगा। एज लिमिट जो कैलकुलेट किया जाएगा 30 अप्रैल 2020 के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अप्लाई करने का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर देखिए www.urn यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखिए दिया गया है ये एड्रेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देंगे जहाँ से आप लोग जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जो लास्ट वाला मैंने जो 2 पोस्ट बताया आप में से हर एक मतलब आप अभी तो बीटेक कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं मगर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एज मैच कर जाता है तो दोस्तों ये देखिए 6 नंबर और 7 नंबर पोस्ट के लिए आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप लोग का अभी भी कोई भी सवाल रहता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा या मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को कम से कम एक दोस्त के अंदर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।